क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आप क्वेश्चन लिखिए भी फटाफट। 10 रुपए की फेस वैल्यू है, मैं कह रहा हूं आईपी है 15 रुपीज का, टेबल एस अंडर, मैंने कहा एप्लीकेशन में 3 रुपए इंक्लूडिंग 1 रुपए का प्रीमियम, अलॉटमेंट में 4 रुपीज कि मैंने आपको बताया इंक्लूडिंग 2 रुपीज का प्रीमियम, इसमें एंट्री भी पास करेंगे पूरी की पूरी। फर्स्ट कॉल 2 रुपीज इंक्लूडिंग 1 रुपीज का प्रीमियम, और मैंने कहा लास्ट आपको का बैलेंस हम मंगवाएंगे इन फाइनल कॉल, बैलेंस मंगवाएंगे इन फाइनल कॉल आएगा। हेल्प करें मेरी आप लोग, शुरू करें आप लोग, मुझे बताया फाइनल कॉल कितने रुपए की है, फाइनल कॉल कितने रुपए की है, कौन बताएगा ये फाइनल कॉल कितने रुपए की है, चेक कीजिए फाइनल कॉल कितने की है प्लीज, फाइनल कॉल कितने रुपए की है, अरे 4, 5, 7 इसको सेग्रीगेट कर लो, सेग्रीगेट कर चेक लेते हैं, सिक्स की देखते बेटे चेक कर लेते इसको भी, दिस इज आईपी, दिस इज फेस वैल्यू प्लस एसपीआर, दिस इज आईपी फेस वैल्यू प्लस एसपीआर, हमने कहा जी आईपी है 15 रुपए का, 15 रुपीज का, 10 प्लस 5, हमने कहा जी एप्लीकेशन में सर आ गया 3 रुपए डिटेल इश्यू प्राइस की है, अलॉटमेंट में 4 रुपए, फर्स्ट कॉल में 2 रुपीज और फाइनल कॉल में सर कितना आगे देखते बैलेंसिंग फिगर 4, 5, 7, 8, 9, 15 में से 9 में कितना बताया बच्चे आपने, कितना बताया 6 आगे जी, 6 आगे जी, 6 बहुत बढ़िया, 9 सेग्रीगेट करेंगे और सेग्रीगेट करेंगे और सेग्रीगेट करते हैं, मैंने कहा 3 रुपए एप्लीकेशन में प्रीमियम के साथ, तो फेस वैल्यू का कितना पार्ट हुआ 2 रुपीज, अलॉटमेंट में कहा 4 रुपए, 2 रुपए प्रीमियम के साथ इंक्लूडिंग प्रीमियम कहा है मैंने आपको, तो 2 प्लस 2, मैंने कहा फर्स्ट कॉल में 2 रुपए 1 रुपए के प्रीमियम के साथ इंक्लूडिंग 1 रुपए का प्रीमियम, 1 प्लस 1, और चेक करते कितना रह गया फेस वैल्यू में, कितना रह गया सर 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे 10, कितना कितना रह गया बताओ फेस वैल्यू में, कितना रह गया बोलिएगा, कितना रह गया 5 रुपए, 5 रुपीज, और एसपीआर में कितना आ गया सर 1, 2, 3, 4 टोटल 5 है, 5 प्लस 1, 6 से इक्वल आ गया। यहां तक कोई डाउट किसी के मन में, क्वेरी कोई क्वेश्चन यहां तक? नो सर। सेग्रीगेट करने का कारण क्या है? तो सेग्रीगेट क्यों कर रहे, लॉजिक क्या है इसका? क्योंकि मैंने सिखाया था आपको जो फेस वैल्यू वाला पार्ट है वो कहां पर आएगा, शेयर कैपिटल में, और एसपीआर वाला पार्ट एसपीआर में आएगा, सिक्योरिटी में रिजर्व में आएगा, दैट्स व्हाई हम लोगों को यहां सेग्रीगेट करने की आवश्यकता पड़ती है, रिक्वायरमेंट आती है। अब इन सभी की जनरल एंट्री परफॉर्म करेंगे, इन सभी की जनरल एंट्री को हम लोग परफॉर्म करेंगे, आएगा पहली एंट्री आ रही है लोगों से, पहली एंट्री, तो पहले 2 प्लस 1 3 रुपीज है, तो फर्स्ट एंट्री ड्राफ्ट करेंगे हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन के आगे 3 रुपए, चेक कर लीजिएगा ऊपर देखो एप्लीकेशन में आगे 3 रुपीज, तो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, पैसा रिसीव कर लिया हम लोगों ने, सेकेंड एंट्री, एप्लीकेशन का पैसा कहां जाएगा, एप्लीकेशन के 3 रुपए थे जो जो फेस वैल्यू वाला पार्ट है वो कहां जाएगा, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, और जो हमने सेग्रीगेट किया है और से चेक करते हो देखते हो, मतलब पेंशन को समझा रहा हूं अभी, कुछ इस वाले को देखो, इस वाले को देखो, जो ये 3 रुपए थे 2 और 1 में बाइफ्रिकेट हो गए, तो मैं यहाँ क्या कहता हूँ आप लोगों के लिए, कैपिटल में आ गया 2 रुपया और एसपीआर में आ गया 1 रुपये, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी
ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड स्पीयर। याद रखना हमेशा कैपिटल में फेस वैल्यू का पार्ट ही आता है, दैट्स व्हाई हमें सेग्रीगेट करने की आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है। चलेंगे सर आगे बात करेंगे, आ जाओ थर्ड एंट्री। हम लोगों को लेटर भेजा, भैया पैसा भिजवाओ, लेटर भेजा पैसा भिजवाओ, भाई मेल कर रहे हैं उनको। हमने कहा अलॉटमेंट के कितने मंगवाने, हमने कहा अलॉटमेंट के मंगवाए 4 रुपए, तो अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। तो कैपिटल तो एसपीआर अकाउंट, हमने कहा फेस वैल्यू का पार्ट 2 रुपए है, प्रीमियम का पार्ट 2 रुपए कहां पे है दिखा दो, तुम चेक कर लीजिए, देख लीजिएगा, देखिएगा। अब अलॉटमेंट में आ जाओ, अलॉटमेंट के 4 रुपए थे, इसके 2 पार्ट यहां मैंने बाइफ्रिकेट करके आप लोगों को दिखा दिए, 2+2। कैपिटल बिलोंग टू फेस वैल्यू एंड एसपीआर बिलोंग टू सिक्योरिटी पेमेंट रिजर्व। तो यहां हम लोग कहेंगे बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, पैसा ड्यू है लोगों से मंगवाना है, अभी पैसा आया नहीं है, अलॉटमेंट मनी ड्यू। फोर्थ पॉइंट अलॉटमेंट ड्यू आ गया, अब लोग पैसा देंगे, पैसा आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, पूरे 4 रुपए आ गए, अलॉटमेंट के 4 रुपए आ गए। Being share allotment money received, due हो गया, receive हो गया, due हो गया, receive हो गया। Fifth entry, लोगों से हम first call का पैसा मंगवा रहे हैं, first call में है 2 रुपए, जिसके 2 part है, face value 1 रुपया, 2 रुपए को, 2 रुपए को, 2 rupees को, 1 and 1 में यहाँ bifurcate कर रखा है। आओ ड्यू करवाएंगे, पटाव ड्यू करवाएंगे, हम लोग क्या कहेंगे यहां पे, फर्स्ट कॉल डेबिट टू कैपिटल टू एसपीआर लोगों को लेटर भेजा, मेल किया, पैसा भिजवाओ, मतलब ड्यू कर दिया पैसा हम लोगों ने। अब लोग पैसा कंपनी को देंगे, कंपनी पैसा रिसीव कर रही है, कंपनी के की पैसा आ रहा है, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया, फर्स्ट कॉल कैंसिल हो चुका है, 2 रुपए पूरे के पूरे आ गए, ड्यू हुआ, रिसीव हुआ। इन एंट्री को ध्यान से समझना, क्योंकि जब आगे फोर्थ फ्यूचर की एंट्री आएगी तो इसको बेस मान के चलूंगा मैं आप लोगों के लिए। Being share first call money received, first call का पैसा रिसीव कर चुके हम लोग। चलेंगे आगे, लास्ट एंट्री, हमने बैलेंसिंग फिगर निकाली 6 रुपए फाइनल कॉल के, जिसमें 5 रुपए फेस वैल्यू का है और 1 रुपया प्रीमियम का है। सिमिलरली क्या कहेंगे हम लोग यहां पर, लास्ट एंट्री आ रही है हम लोगों की, पहले ड्यू करेंगे, 6 रुपए की फाइनल कॉल है, फेस वैल्यू का पार्ट 5 रुपया है और 1 रुपए का इसके अंदर प्रीमियम छुपके बैठा हुआ है। प्रीमियम इनकम है, कैपिटल नेचर की आइटम है, इनकम ऑल इनकम आ क्रेडिट, और कैपिटल का बैलेंस तो क्रेडिट होता ही है। सर पैसा ड्यू हो चुका, पैसा ड्यू हो चुका, हम कहेंगे बीइंग श्योर फाइनल कॉल मनी ड्यू, फाइनल कॉल का पैसा ड्यू है। समझना बेस है, ये बेस समझ आ गया तो आगे दिक्कत नहीं आएगी, गारंटी है चीज। 9 पॉइंट, मेरी 7th एंट्री थी, तो 8th वन लास्ट एंट्री, क्या कहेंगे हम लोग, पैसा आ रहा सर, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फाइनल कॉल या सेकंड एंड फाइनल, हमारी में लिख सकते हो सेकंड एंड फाइनल, सेकंड एंड फाइनल, सेकेंड एंड फाइनल कर दो इसको, ठीक है। 6 रुपए आ गए, बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी
उम्मीद है क्लियर हो चुका जितनी बातें मैंने अभी तक आप लोगों आगे चलते आगे बात करते हैं। हमने पार की बात भी कर ली और प्रीमियम की बात भी कर ली। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लिखेंगे हम, इस पे कॉन्सेप्ट तैयार करेंगे। वो कॉन्सेप्ट है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या होता है बात करेंगे। ये बात मैंने पहले भी आप लोगों को बताई थी जब हम लमसम की बात कर रहे थे, लेकिन अब इसको पूरे का पूरा एलोबरेट करेंगे सब्सक्रिप्शन क्या होता है। यहां हमें तीन कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। एक आएगा फुल सब्सक्रिप्शन, एक आएगा अंडर सब्सक्रिप्शन और एक आएगा ओवर सब्सक्रिप्शन। सब क्या टाइम यही लेगा पूरे चैप्टर में, मेन टाइम यही लेके जाएगा ओवर सब्सक्रिप्शन। अभी जिक्र करूंगा वन बाय वन क्या होता है। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन करेंगे फुल सब्सक्रिप्शन के। फुल सब्सक्रिप्शन है पूरे का पूरा प्रीमियम, पूरे का पूरा प्रीमियम। और साथ में कॉन्सेप्ट आज के लेक्चर में आएगा कॉल इन अरियर। एक नया कॉन्सेप्ट आएगा कॉल इन अरियर, क्या होता है बताऊंगा कुछ देर के बाद। फिलहाल अभी फुल सब्सक्रिप्शन क्या होता है आप समझते हैं, बात करते क्या होता है सर। यहां मैं कहता हूं शेयर अप्लाइड बाय पब्लिक इज इक्वल टू शेयर इश्यूड बाय कंपनी। अप्लाइड बाय पब्लिक इज इक्वल टू शेयर इश्यूड बाय कंपनी फॉर सब्सक्रिप्शन। जितने शेयर लोगों ने अप्लाई किए कंपनी ने भी सब्सक्रिप्शन के लिए उतने शेयर इश्यू किए थे। एक एग्जांपल से समझेंगे। मैं कहता हूं जी अप्लाइड बाय पब्लिक है जी 10,000 शेयर, 10,000 शेयर, और जो शेयर इश्यू करी थी कंपनी सब्सक्रिप्शन के लिए, शेयर इश्यूड बाय कंपनी फोर सब्सक्रिप्शन, वो भी 10,000 शेयर है। तो जब भी ऐसी बात क्वेश्चन में दिख जाए हमारे को उसको बोलते हैं फुल सब्सक्रिप्शन। हम कहते हैं फुल सब्सक्रिप्शन। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, जितनी भी कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो ज्यादा बात क्लियर होगी हम लोगों को। फिलहाल अभी लिखेंगे आप लोग ऑल कैलकुलेशन विल बी बेस्ड ऑन 10,000 शेयर्स। यहां तो एक ही वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एप्लीकेशन का पैसा आया, कैपिटल, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ऑल कैलकुलेशन का मतलब ये हो गया विल बी बेस्ड ऑन, मतलब 10,000 शेयर। मेरे एग्जांपल में 10,000 शेयर लिया मैंने, तो ऑल कैलकुलेशन विल बेस्ड ऑन 10,000 शेयर। ये था जी फुल। ये बात की मैंने आप लोगों से फुल सब्सक्रिप्शन की। अब बात करते हैं आप लोगों से अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, हम कहते हैं शेयर जो अप्लाइड किया लोगों ने कम शेयर खरीदे। मैं कहता हूं शेयर अप्लाइड बाय पब्लिक इज लेस देन शेयर इश्यूड बाय कंपनी फॉर सब्सक्रिप्शन। मतलब कंपनी ने लोगों को इनवाइट तो ज्यादा शेयर के लिए किया लेकिन लोगों ने उतने शेयर खरीदे नहीं, लोगों ने उतने शेयर खरीदे नहीं। एग्जाम्पल से समझेंगे मैं कहता हूं अप्लाइड किया पब्लिक ने 9,000 शेयर के लिए, लेकिन शेयर कंपनी ने इनवाइट किया, शेयर इनवाइटेड बाय कंपनी फॉर सब्सक्रिप्शन। जो कंपनी पब्लिक को इनवाइट कर रही है, कंपनी 10,000 शेयर के लिए इनवाइट किया लोगों को, आओ 10,000 शेयर हम लेके आ रहे हैं मार्केट में, आ जाओ हमारे शेयर खरीदो, लेकिन लोगों ने 9,000 शेयर ही खरीदे। इसका मतलब क्या होगा, जो पैसा आएगा वो 10,000 पे नहीं आएगा। एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, जितना भी पैसा आएगा तो क्या कहेंगे यहां पर, ऑल कैलकुलेशन
will be based on 9,000 shares. Application money received, share capital, allotment, first call. First call का capital, final call, final सब कुछ based on 9,000 share. 10,000 share का हमने इस type के question में कुछ भी नहीं करना. अगर last वाले को समझते हैं उसका नाम है over subscription. समझेंगे क्या होता है पहले इसको अलग से समझेंगे इसके बारे में. तो यही थोड़ा सा समय लगता है हम लोगों को इस वाले में क्योंकि तो यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा आ जाती है. कैसे आती समझते हैं बात को. मैं कह रहा हूं जी ओवर सब्सक्रिप्शन. यहां पे हम कहते हैं नॉर्मली लिखेंगे हम जो शेयर अप्लाइड किया पब्लिक ने वो ज्यादा है मोर देन शेयर इश्यूड बाय कंपनी फॉर सब्सक्रिप्शन. मतलब ज्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं एक कंपनी सारे शेयर नहीं दे पाएगी. कंपनी की मजबूरी है जितने शेयर कंपनी ने लोगों को इनवाइट किया है उतने शेयर ही दे पाएगी. फिर बाकी शेयर होल्डर का क्या करेंगे अभी देखते क्या करेंगे समझेंगे. एग्जाम्पल से समझते हैं यहां पे. तो मैं कहता हूं जी जो शेयर अप्लाइड किया पब्लिक ने मान लीजिए मैं कहता हूं 18,000 शेयर है और जो शेयर इनवाइटेड बाय कंपनी जो कंपनी इनवाइट करे लोग आओ हमारी कंपनी में फोर सब्सक्रिप्शन में शेयर खरीदो कंपनी ने इनवाइट किया 10,000 शेयर के. ध्यान से बात समझना यही से चैप्टर का ट्रिक आना स्टार्ट होता है धीरे धीरे. एक एक स्टेप को इकट्ठा करते हुए चलना हमने और उन सबको मिला देंगे तो बढ़िया प्यारा से क्वेश्चन बन के तैयार हो जाएगा हम लोगों के लिए. तो क्या कह रहा सर 18,000 लोगों ने अप्लाई किया लेकिन कंपनी तो 10,000 ही देगी क्योंकि कंपनी ने इन्वाइट ही 10,000 के लिए किया था. तो यहां क्या कहेंगे समझना बातों को. तो हम कहते हैं एप्लीकेशन मनी जो आएगी वो जो रिसीव करेंगे हम लोग क्योंकि 18,000 लोगों ने अप्लाई किया है तो हम कहेंगे एप्लीकेशन मनी तो जो आएगी सर वो 18,000 शेयर्स के ऊपर आएगी. ये पहली बात एप्लीकेशन मनी तो 18,000 शेयर के ऊपर आएगी लेकिन जो ऑल अदर कैलकुलेशन क्या हो गई एप्लीकेशन का कैपिटल अलॉटमेंट कॉल मनी उसको मैंने बोला ऑल अदर कैलकुलेशन. तब इस कॉन्सेप्ट को बाद में लेकर आया मैं बिकॉज आपको बेसिक सारी बातें पहले मैंने क्लियर करवा दी. फर्स्ट कॉल क्या होता है फाइनल कॉल क्या होता है एंड ऑल अदर कैलकुलेशन मतलब एप्लीकेशन का कैपिटल अलॉटमेंट सारी की सारी कॉल मनी विल बी बेस्ड ऑन वो बेस्ड ऑन होगा 10,000 शेयर के ऊपर क्योंकि उतने शेयर ही हम लोगों को अलॉट कर रहे हैं. मान लो डीयू का किसी ने फॉर्म भरा एप्लीकेशन फॉर्म भरा तो जिसको एडमिशन मिलेगा कॉलेज में कॉलेज वाले उसी से आगे की फीस मांगेंगे. जिनको एडमिशन मिला ही नहीं कॉलेज में तो उनसे आगे की फीस नहीं मांगी जाएगी. तो ऑल अदर कैलकुलेशन विल बी बेस्ड ऑन एप्लीकेशन का कैपिटल अलॉटमेंट जितनी भी बची हुई कैलकुलेशन है वो 10,000 शेयर के ऊपर बेस्ड होकर चलेगी. अब देखो हमने कैलकुलेशन तो सीख ली कि 18,000 शेयर पे एप्लीकेशन मनी आई और 10,000 शेयर के ऊपर अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल. मतलब समस्या आ रही है सर इन 8,000 लोगों को क्या करेंगे इन 8,000 को क्या करें 10,000 के बदले 18,000 आ गए सर प्रॉब्लम आ गई कंपनी के सामने ये 8,000 लोग लड़ना शुरू कर देंगे इनका क्या किया जाए क्या करें इनका और समझेंगे. तो कंपनी क्या कहती है समझना ध्यान से बात को समझना पहले सुनना बहुत आराम से बड़े सारे एग्जाम्पल लूंगा. कंपनी कहती है मैं कुछ लोगों को तो फुल दे दूंगी मतलब जिन्होंने 10,000 मांगे उनको 10,000 दे दो पूरे के पूरे
बाकी लोगों को मना कर देंगे। मना का मतलब हम कुछ नहीं देंगे उनको, बाकी लोगों को हम रिजेक्ट कर देंगे, कईयों को फुल और बाकियों को हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि आपको हम कुछ नहीं देंगे। तो कंपनी तो एक ऑप्शन ये ले जाएगी, क्या होता है बताऊंगा। मतलब 18,000 में कंपनी ने कहा 10,000 वाले सब ले जाओ, 10 वालों को 10 मिल गए, बाकियों को हम कुछ नहीं देंगे, हमने कहा वापसी जाओ घर जाओ। तो एक तो कॉम्बिनेशन ये आएगा। अगला कॉम्बिनेशन क्या आ सकता है, कंपनी क्या कहेगी, कईयों को तो फुल दे दो और कईयों को देंगे हम पार्ट, मतलब पार्ट का मतलब प्रोराटा। अभी बताऊंगा प्रोराटा क्या होता है, दो मिनट रुक जाओ, ये सब कॉम्बिनेशन है। इसी टाइप से क्वेश्चन बन के भी क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। तो कईयों को फुल रिजेक्टेड मिला, कईयों को फुल लो प्रोराटा का कॉम्बिनेशन मिला। ये मान लो एक कॉम्बिनेशन आ गया, फुल भी हो सकता है, सारी बातें क्वेश्चन बताएगा हमारे को, प्रोराटा भी हो सकता है और रिजेक्शन भी हो सकता है, एक कॉम्बिनेशन ये भी आ सकता है, फुल प्रोराटा और रिजेक्शन, थर्ड कॉम्बिनेशन, मतलब एन नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कैन बी क्रिएटेड, फुल रिजेक्शन, फुल प्रोराटा, फुल और प्रोराटा, कॉम्बिनेशन कोई भी आ सकता है। तो इस चीज में प्रॉब्लम ना आए, प्रॉब्लम ना आने के लिए मैं सिखाऊंगा आप लोगों को, आने वाली क्लास में सीखेंगे वाली बात हम लोग, मैं आप लोगों को सिखाऊंगा एनालिसिस टेबल। उस एनालिसिस टेबल की हेल्प से हम इस पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। एक बार अगर आपको ये टेबल समझ आ गया तो मान लीजिए आपके चैप्टर का लगभग 50% कॉन्सेप्ट आपको समझ आ चुका है इस एनालिसिस टेबल के आने के बाद, बताऊंगा आने वाली क्लास में। फिलहाल अभी इस कॉम्बिनेशन को समझते, कॉम्बिनेशन क्या क्या है, इन कॉम्बिनेशन को मैं अलग अलग एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये सारी बातें हमारे को क्वेश्चन में लिखी हुई मिलेगी, सर कंपनी कैसे बोलती है। पहले कॉम्बिनेशन नंबर वन, कंपनी कहती है हम करेंगे फुल प्लस रिजेक्शन को खेलेंगे, फुल प्लस रिजेक्शन की बात करेंगे हम लोग। सर रिजेक्शन का मतलब समझते हैं, मैंने कहा जी यहां लिखा शेयर अप्लाई, बहुत आराम से समझना बातों को, मैंने कहा जी शेयर अप्लाई और शेयर अलॉटेड, टोटल मैंने कहा 18,000 लोगों ने अप्लाई किया है, हमने उनको 10,000 शेयर दिए है। कंपनी कह रही है मैं फुल के साथ फुल और रिजेक्शन का इस्तेमाल करूंगी, तो कंपनी ने क्या कहा जी, फुल का मतलब जिन्होंने 10 मांगे हमने उनको 10 दे दिए, जिन्होंने 8 मांगे हमने उनको कुछ भी नहीं दिया, मतलब इसको बोलते फुल और रिजेक्शन का कॉम्बिनेशन। कंपनी को कॉम्बिनेशन तब लगाने पड़ेंगे जब क्वेश्चन आएगा हमारे सामने प्रोराटा का। फुल सब्सक्रिप्शन में कोई दिक्कत नहीं, अंडर में कोई दिक्कत नहीं, समस्या आएगी जब क्वेश्चन आएगा ओवर सब्सक्रिप्शन का। तो ये कॉम्बिनेशन वन था, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन होती है, सारी बातें क्वेश्चन बताएगा। और इसी के आगे टेबल को एक्सपेंड करूंगा जब सिखाऊंगा मैं आप लोगों को एनालिसिस टेबल। अभी के लिए कॉम्बिनेशन नंबर वन ये था, चलेंगे आगे। सर कॉम्बिनेशन नंबर टू क्या हो सकता है बताओ, और सीखेंगे कॉम्बिनेशन टू सीखेंगे क्या होता है। कॉम्बिनेशन नंबर टू, कोई बात बोली हमने, शेयर अप्लाइड, शेयर अलॉटेड, इसी बातों को आपको क्वेश्चन में समझना है, कहां फुल है, कहां प्रोराटा है, कहां रिजेक्शन है। तो दोस्ती कर लो इनसे अभी, जैसे क्वेश्चन को समझने आप लोगों को तकलीफ ना हो, दिक्कत ना आए। यहां मैं कॉम्बिनेशन लेता हूं आपके लिए, फुल वाला और प्रोराटा वाला। कुल 18,000 लोगों ने अप्लाई किया मेरे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग और मैं उनको 10,000 शेयर दूंगा, सिंपल सी बात है जी, ये मेरा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन कहता है जी हमने क्या किया, 5,000 वालों को तो 5,000 दे दिए, जिन्होंने 5,000 शेयर मांगे थे उनको मैंने 5,000 शेयर दे दिए। सर इसका मतलब जो बच गए, जिन लोगों ने 13,000 शेयर मांगे थे उनको हमने कितने शेयर दिए, उनको बचे हुए रिमेनिंग बैलेंसिंग फिगर 5,000 शेयर दे दिए। जब ज्यादा मांगो तो कम मिले,
उसको बोलते हैं प्रोराटा। जब ज्यादा मांगो और कम मिले उसको बोलते हैं प्रोराटा। सर इसने तो एक्स्ट्रा पैसा दिया हुआ, एप्लीकेशन में एक्स्ट्रा पैसा आ रखा है, क्या करेंगे? सिखाऊंगा, पैसे की बात बाद में करवाऊंगा, अभी आपको खाली मैं सिखा रहा हूं शेयर को कंपनी किस तरीके से फुल में, प्रोराटा में, रिजेक्शन में एडजस्ट करती चलेगी। पैसों की बात आने वाले समय में बताऊंगा। तो कॉम्बिनेशन नंबर टू था फुल और प्रोराटा का कॉम्बिनेशन। एक कॉम्बिनेशन में और लेता हूं, फिर आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनाऊंगा, सिंपल सा क्वेश्चन तैयार करेंगे फिर हम लोग। एक कॉम्बिनेशन और आ सकता है, कॉम्बिनेशन नंबर थर्ड। तो अगर हमने पूछे प्रोराटा को कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम कहेंगे जी भैया फुल प्रोराटा, सॉरी ओवर सब्स्टिट्यूशन कैसे सॉल्व करेंगे, हम कहेंगे फुल प्रोराटा लगा लो, फुल रिजेक्शन कर लो, प्रोराटा रिजेक्शन कर लो, तो ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। समझते हैं क्वेश्चन को। हमने कहा अप्लाइड अलॉटेड, फुल अप्लाई किया जी, 18,000 लोगों ने अप्लाई किया हमारे क्वेश्चन के अंदर, पर हम उनको 10,000 शेयर दे रहे, शेयर सही रुपए नहीं, शेयर सही। यहां तीनों कॉम्बिनेशन लेके आता हूं, चलो तीनों कॉम्बिनेशन लेके आते हैं हम लोग और बनाएंगे रिजेक्शन। हमने हमने कहा जी हमने 2000 वालों को कुछ नहीं दिया, नील, सारी बातें क्वेश्चन बताएगा आपको। 2000 को दिया नील, क्वेश्चन को पढ़ना आना चाहिए हम लोग जो फुल वाले है। हमने कहा जी हमने 4000 वालों को दे दिया 4000। कई बार क्या करते हैं, एग्जामिनर क्वेश्चन लिखता है तो आपको दो बातें बताता है खाली, और ये हमारा ऑटोमेटिकली निकलता है बैलेंसिंग फिगर। समझाऊंगा जब क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, फिलहाल अभी के लिए कुल 18,000 लोगों ने अप्लाई किया, तो 4 और 2 6 6, तो सर यहाँ आ गए, ये रह गए सर 12,000 शेयर। तो जिन्होंने 12,000 के लिए अप्लाई किया, 4 10 में से 4 से उनको मिले 6,000। तो जब पूरे के पूरे मिल जाए मतलब फुल, कुछ कम मिले पोराटा नील बैठे सन्नाटा, कुछ ना मिले तो रिजेक्शन। इस टाइप से, इस तरीके से हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन को हैंडल करते। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। एक्स वाई जेड लिमिटेड इनवाइटेड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन ₹20,000 shares of ₹10 each at a premium of 50% payable as under. एप्लीकेशन पे ₹3 इंक्लूडिंग ₹1 का प्रीमियम, अलॉटमेंट पे ₹3 इंक्लूडिंग ₹1 का प्रीमियम, फर्स्ट कॉल में ₹2 इंक्लूडिंग ₹1 एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। चलेगा बात करते हैं, कंपनी शेयर इश्यू कर रही है 20,000 कंपनी शेयर इश्यू कर रही है। अब देखते हैं कितने लोगों ने अप्लाई किया, कितने लोगों ने अप्लाई किया। हम कहते हैं जी यहां पर applications were received for 20,000 share. 20,000 लोगों ने ही apply किया, company share भी 20,000 issue कर रही है, 20,000 लोगों ने भी ही apply किया। All money were duly received, सारा पैसा आ चुका है,
एक्सेप्ट, क्या नहीं आया, एक्सेप्ट, फर्स्ट कॉल मनी ऑन 500 शेयर्स, 500 शेयर पे फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया, एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 1000 शेयर्स, 500 शेयर पे फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया और 1000 शेयर के ऊपर, सॉरी 500 पे फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया और 1000 पे फाइनल कॉल का पैसा नहीं आया, कहते हैं जर्नलाइज। ऑल्सो प्रिपेयर कैश बुक, ऑल्सो प्रिपेयर कैश बुक, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में क्या क्या देखने को मिल रहा है हमारे को, क्वेश्चन में क्या क्या देखने को मिल रहा है देखते हैं। क्वेश्चन तो प्रीमियम का है, प्रीमियम एप्लीकेशन में भी, अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल भी, 4 बजे का प्रीमियम दिख रहा है, देखो 1 रुपए यहाँ पे आ गया, 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 10 रुपए की फेस वैल्यू है, 50%, मतलब 5 रुपए का प्रीमियम हो गया, 3 यहाँ पर आ गया तो 2 रुपए फाइनल कॉल में आएगा, देख लेंगे भी, चलेंगे, चलते हैं। हमने शेयर इश्यू के 20,000 रुपए, 20,000 शेयर लोगों ने अप्लाई बीच के लिए किया, मतलब क्वेश्चन है फुल सब्सक्रिप्शन का, सारा पैसा आ गया लेकिन फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा इतने शेयर पे नहीं आया, तो यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आएगा कॉल इन अरियर, सीखेंगे भी क्या है कॉन्सेप्ट वाला भी। मैंने कहा जर्नल बनाओ और कैश बुक बनाओ, और बनाएंगे, स्टार्ट करते हैं आज। सबसे पहली बात खत्म करना है, क्वेश्चन स्पीड से चलेंगे। पहली बात क्या कहती है, सर फेस वैल्यू 10 रुपए है, SPR है 50%, जो कि हो गया 10 का 50%, अमाउंटिंग टू 5 रुपीज, इश्यू प्राइस हो गया 15 रुपए, इश्यू प्राइस हो गया 15 रुपया, सेग्रीगेट करेंगे, आ जाओ जी, अब सेग्रीगेट करेंगे, आईपी फेस वैल्यू आईपी 15 है, फेस वैल्यू 10 रुपीज है, SPR है 5 रुपए, और ब्रेक करेंगे जी, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट और फाइनल। मैं क्वेश्चन में देख पा रहा हूं एप्लीकेशन में लिखा जी 3 रुपए इंक्लूडिंग 1 का प्रीमियम, अलॉटमेंट भी 3 रुपए, 1 रुपए का प्रीमियम और 2 रुपए में फर्स्ट कॉल में 1 रुपए इंक्लूड है, 3 3 2, और लिखेंगे जी 3 3 2, ये होगा 3 4 5 6 7 8, बैलेंसिंग फिगर 7 रुपीज, कहता 3 रुपए में 1 रुपए का प्रीमियम, तो +1 तो 2+1, इसमें 1 रुपए का प्रीमियम 1 तो 2+1, 1 रुपए का प्रीमियम +1 1+1, तो प्रीमियम है 5 रुपए, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 5 रुपया, तो 2 रुपए सर आ गए, कैसे आया, बैलेंसिंग फिगर आया, 1 2 3 4 5 10 है तो 5 रुपए भी आ गया जी, बैलेंसिंग फिगर आ गया, तो एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है हम लोगों को, सिंपली आप ऐसे परफॉर्म करो, स्टार्टिंग हमेशा टोटल से करना जिससे गलती के चांसेस कम से कम हो, बाकी जैसा आपको अच्छा लगे कर सकते हो, लेकिन इसमें गलती के चांसेस कम से कम होते हैं। चलिए तो हम लोगों ने सेग्रीगेट कर लिया, पहला काम हो चुका हम लोगों का। ये क्वेश्चन है फुल सब्सक्रिप्शन का, अगर एग्जाम ने पूछे बताओ कौन सा सब्सक्रिप्शन लगाया है, जिम कहेंगे जी फुल सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है, क्योंकि अप्लाइड इज इक्वल टू शेयर इनवाइटेड और पब्लिक फोर्स, सब दोनों इक्वल है। अब बिगिन करेंगे एंट्रीज, बिगिन करेंगे एंट्रीज, जर्नल, पहली एंट्री आ रही है जी, कैंडिडेट ऑफ करेंगे हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, आप फुल वाले को याद रखो, मेरे एग्जांपल में कितने लोगों ने अप्लाई किया सर, 20,000 लोगों ने अप्लाई किया है और हमने शेयर भी 20,000 ही दिया उन लोगों को, तो क्या कहेंगे यहां पे हम लोग, 20,000 शेयर आ गए,
एप्लीकेशन का प्राइस है 3 रुपया 3 रुपीज, तो बैंक एप्लीकेशन 3 रुपए 60,000 60,000. Being sure application, money received on 20,000 shares at the rate rupees 3 per share. The application ka paisa aa chuka hai ji. Second entry. एप्लीकेशन का पैसा कहां जाएगा? एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. प्रीमियम एप्लीकेशन के अंदर भी है, जहां जहां प्रीमियम होगा वहां वहां एसपीआर आएगा. एप्लीकेशन में 60,000 आ गया. हम देख पा रहे हैं ऊपर कि फेस वैल्यू, ध्यान से देखिएगा, फेस वैल्यू के अंदर एप्लीकेशन के फेस वैल्यू के 2 रुपए, एसपीआर का 1 रुपया है. तो हम यहां क्या कहेंगे, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेशन में, तो 20,000 शेयर मल्टीप्लाइड बाय 2 रुपीज, 20K मल्टीप्लाइड बाय 1, तो यह आ गया 40 और 20K. तो बीइंग इन एंट्री को समझते हुए चलिए, हर क्वेश्चन में एंट्री आनी आने वाले, हर क्वेश्चन में एंट्री आएगी ये वाली एंट्री. बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी transfer to share capital and SPR account. Application का पैसा आ गया सर, capital में और SPR में भी चला गया. Third point, सब लोगों से क्या मंगवाएंगे, लोगों से क्या मंगवाएंगे हम लोग, क्या कहेंगे जी थर्ड एंट्री? अलॉटमेंट डेबिट. अलॉटमेंट के अंदर भी एसपीआर है. यहां मैंने अलॉटमेंट को ड्यू किया है, बीइंग लेटर जाएगा उन लोगों के घरों में, अलॉटमेंट मनी ड्यू. अब लेटर नहीं, मेल आती है, लेटर नहीं आता, मेल आया था सीधा सीधा. तो जी 20,000 शेयर्स है. अब चेक करके आओ अलॉटमेंट का आईपी कितना, अलॉटमेंट में आईपी का कितना पार्ट है? सर अलॉटमेंट में आईपी का पार्ट 3 रुपया है, 3 रुपीज है, और अलॉटमेंट में फेस वैल्यू 2 रुपए है और एसपीआर 1 रुपया है. तो हम क्या कहेंगे जी, जो आईपी वाला अमाउंट था, अलॉटमेंट का आईपी वाला 3 रुपए, 6,000 आ गया. जो अलॉटमेंट का फेस वैल्यू का पार्ट था 2 रुपए, कैपिटल में आ गया, और जो अलॉटमेंट का एसपीआर का 1 रुपए का पार्ट था वो एसपीआर में चला गया 20K. तो फेस वैल्यू गया कैपिटल में, एसपीआर एसपीआर में, और जो इश्यू प्राइस वाला पार्ट है अलॉटमेंट के अंदर वो चला गया शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. तो ड्यू हो गया. अब हम रिसीव करेंगे, रिसीव करेंगे तो क्या कहेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट. जिन लोगों ने पैसा आ गया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 60 के आ चुका, सारा पैसा रिसीव हो चुका है. रिसीव करेंगे तो क्या कहेंगे हम लोग, शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव. सर ड्यू भी हो गया, रिसीव भी हो गया, ड्यू भी हो गया, रिसीव भी हो गया. फिफ्थ पॉइंट, अब लोगों को लेटर जाएगा, ये फर्स्ट कॉल का पैसा भिजवाओ. क्या कहेंगे जी हम, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट. फर्स्ट कॉल कितने रुपए की, देखते आओ, देखते फर्स्ट कॉल कितने की है. 2 रुपीज की फर्स्ट कॉल है, जिसमें 1 रुपए का एसपीआर है और 1 रुपए की फेस वैल्यू है. पहले पैसा ड्यू करेंगे, और ड्यू करेंगे पहले पैसा, क्या बोलेंगे हम लोग ड्यू करेंगे तो, क्या फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू एसपी अकाउंट 20,000 शेयर, फर्स्ट कॉल के 2 रुपए के हिसाब से 40K आ चुका है सर. 20,000 इंटू
1 rupees, 20,000 into 1 rupees, 20K, 20K. अब ध्यान से बात समझने के लिए, एंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट एंट्री आने वाली है. नया कॉन्सेप्ट आएगा कॉल इन अरियर का. बींग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 20,000 शेयर्स एट द रेट ₹2 पर शेयर. पैसा ड्यू हो चुका है. अब चलेंगे आगे, बात करेंगे अब क्या आएगा. पैसा ड्यू हो गया. अब एक सेंटेंस पढ़ते, ऊपर आओ, ऊपर वापसी चलते. क्वेश्चन ने वापसी लौट के आओ. क्वेश्चन ने हमसे कहा ऑल मनी वर ड्यूली रिसीव, सारा पैसा तो आ गया, लेकिन क्या नहीं आया. फर्स्ट कॉल मनी 500 शेयर पे नहीं आई और फाइनल कॉल मनी 1,000 शेयर पे नहीं आई. तो जो पैसा नहीं आया, देखेंगे क्या करेंगे उसका, देखते आओ. याद रखो 500 शेयर पे फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया. एक नया कॉन्सेप्ट ओपन होगा, नया अकाउंट ओपन होगा. यहां पर क्या कहेंगे हम लोग, सिक्स्थ एंट्री. देखो जो पैसा आ चुका है हम कहेंगे जी बैंक अकाउंट डेबिट. जो मंगवाया मगर नहीं आया, एक अकाउंट ओपन होगा, उसका नाम होगा कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट. बैंक अकाउंट डेबिट जो आ गया, जो मंगवाया और नहीं आया, कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट. कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट. टोटल 20,000 शेयर थे जिससे 500 शेयर पे फर्स्ट कॉल नहीं आई. तो फर्स्ट कॉल कितने शेयर पे आ गई, 19,500 शेयर पे आ गई, ₹2 के हिसाब से. फर्स्ट कॉल कितने शेयर पे नहीं आई, 500 शेयर के ऊपर नहीं आई, 2,000 के हिसाब से. तो जो पैसा आ गया बैंक अकाउंट, मंगवाया मगर नहीं आया, कॉल इन अरियर. तो लिखेंगे जी फर्स्ट कॉल में आ गया 40,000, यहाँ आ गया 1,000, आगे 39,000. बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल रिसीव्ड ऑन 19,500 शेयर्स एट द रेट ₹2 पर शेयर. तो 500 शेयर पे पैसा नहीं आया, मंगवाया मगर नहीं आया, तो अकाउंट ओपन होगा, उसका नाम होगा कॉल इन अरियर. कॉल लास्ट एंट्री. अब क्या ड्यू करेंगे, लोगों से क्या मंगवाएंगे हम लोग. क्या कहेंगे जी, श्योर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट SPR अकाउंट. 20,000 शेयर्स है, ऊपर कैलकुलेशन चेक करके आएंगे एक बार. फर्स्ट फाइनल कॉल का क्या प्राइस आया था, बैलेंस भी निकालता हम लोगों ने, ₹7 आया, जिसमें ₹5 कैपिटल के और ₹2 प्रीमियम का. अब बात करते आ जाओ, 20 × 7 आ गया 1,40,000 रुपीज. 20 × 5 1,00,000 रुपीज. एंड 20 × 2 ये आ गया हमारा 40,000 रुपीज. यहां पे हम लोगों ने क्या किया, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू, सॉरी शेयर फाइनल कॉल ड्यू, शेयर फाइनल कॉल ड्यू, पैसा ड्यू हो चुका है, लास्ट एंट्री. कह रहा 1,000 लोगों ने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, 1,000 लोगों ने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया. क्या बोलेंगे सर वहां पे हम, जो पैसा आ गया जी, अच्छी बात आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट. जिससे मंगवाया और नहीं आया, कॉल इन अरियर डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट. तो फाइनल कॉल तो जो होगी 140 की, 1,000 शेयर के ऊपर ₹7 के हिसाब से ₹7,000 नहीं आए,
19,000 शेयर्स इंटू 7 ये आ गया 1 लाख, 33,000 आ चुके हैं बींग शेयर। फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 19,000 शेयर्स एट द रेट ₹7 पर शेयर। तो 1,000 शेयर्स पे लोगों ने पैसा नहीं दिया, 1,000 शेयर पे लोगों ने पैसा नहीं दिया। तो इस तरीके से एंट्री थी, इसमें हमने क्या क्या सीखा, फुल सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट आया, चारों के अंदर प्रीमियम आया, चारों में प्रीमियम आया, साथ में कॉल इन अरियर का कॉन्सेप्ट। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और सिखाऊंगा क्लास वाइंड अप करने से पहले, उसका नाम है कैश बुक। बैंक कॉलम कैश बुक बैंक कॉलम बहुत सिंपल है, लेजर पोस्टिंग है और कुछ नहीं है। यहां पर हम लोग बनाएंगे जी कैश बुक बनाएंगे। अब देखेंगे बैंक का नाम कहां कहां पर आया था, बैंक का नाम कहां कहां आया था। तो डेबिट साइड का रिसिप्ट साइड हो गई और रिसिप्ट साइड हो गई, और ये हमारी होगी पेमेंट साइड। देखिए पहली एंट्री को, पहली एंट्री को, पहली एंट्री फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन, बैंक टू एप्लीकेशन पहली एंट्री सर कितने रुपए आए थे, 60,000 रुपीज पहली एंट्री। सी दिस दिस वन, तो बैंक के डेबिट में आ गया टू इक्विटी एप्लीकेशन 60,000 रुपए। और लिखेंगे जी तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 60,000 रुपए। एंट्री नंबर फोर्थ, देखिए एंट्री नंबर फोर्थ बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट अकाउंट, पैसा आ गया। एंट्री नंबर फोर्थ बैंक टू अलॉटमेंट, वो भी 60 आए थे। एंट्री नंबर सिक्स बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल। देखते अमाउंट कितना, फर्स्ट कॉल अमाउंट चेक करते हैं कितना आ रहा है जी। फर्स्ट कॉल का अमाउंट आया था हमारे पास 39,000 रुपीज, 39,000 रुपीज। तो लास्ट फाइनल कॉल 133,000 और इसका एंड में निकल जाएगा बैलेंस सीडी। अगर पूछे कैश का कितना बैलेंस आ रहा है जी, यहां से निकाल के बैलेंस सीडी एग्जामिनर को हम प्रोवाइड करवा देंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन जिसके अंदर मैंने बात की फुल सब्सक्रिप्शन की। आने वाले लेक्चर्स में इसी में अंडर सब्सक्रिप्शन आएगा, इसी में ओवर सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन बन के तैयार होगा, उसके बाद फोर फीचर आएगा, रीइशू आएगा, सारे कॉन्सेप्ट को मर्ज कर दिया जाएगा, एक बढ़िया सा प्यारा सा क्वेश्चन बन के आप लोगों के लिए तैयार हो जाएगा।